हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कहाँ ले चल रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको चेन्नई एयरपोर्ट ले चल रही हूँ। वैसे तो मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल दिन है। जी हाँ, आप सब जानते हैं। तो हम चल पड़े हैं मेट्रो में एयरपोर्ट की ओर। नहीं नहीं दोस्तों, ये ट्रेन खाली नहीं है। मैं जानबूझ के लोगों को कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अंदर का व्यू दिखाना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि अंदर लोग कम हैं, तो उन पे फोकस नहीं कर सकते। ये देखिए, लाइटिंग्स यहीं से दिख रही हैं, कितनी सुंदर दिख रही हैं। अरे वाह, लगता है कि एयरपोर्ट आ गया है। ये देखिए हमारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है। यहाँ पर चेन्नई में लोग किसी भी फेस्टिवल पर या किसी भी खास मौके पर बहुत खूबसूरत रंगोली बनाते हैं। ये देखिए हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी खूबसूरत रंगोलियाँ बनाई गई हैं। ये रंगोलियाँ एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन में बनाई गई हैं। देखिए हर रंगोली के बीच में हमारा तिरंगा कितना अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर काफी अच्छी सजावट की गई है। आज मैं आपको वही दिखाने ले चलती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यात्रियों के अलावा यहाँ काफी लोग इस डेकोरेशन को देखने के लिए आए हैं। अरे ये देखिए, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। आंखें हट नहीं रही हैं यहाँ से। ये जो लाइट्स की डेकोरेशन है कितनी अच्छी लग रही है। ये टैक्सी स्टैंड है, काफी टैक्सीज खड़े हैं यहाँ पर। देखिए हमारा तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है। ये देखिए नीले बल्ब की रोशनी में ये पेड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे तो हम सब देश प्रेम में हमेशा डूबे रहते हैं, लेकिन आज कुछ खास प्रेम है। ये देखिए यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा एयरपोर्ट तिरंगे के रंगों में रंग गया है। कितना खूबसूरत और कितना सुंदर डेकोरेशन है। चलिए दोस्तों, इस
डेकोरेशन की कुछ तस्वीरें खींच लेते हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए। स्वतंत्रता दिवस की वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इसका अगले वीडियो वीआर मॉल के ऊपर होगा, तो जरूर देखिए। बाय दोस्तों।